9 दिनों में 4 साढ़े 4 किलो वजन कम हुआ है और पेट भी मेरा 2 इंच अंदर गया है जी। और ये बहुत ज्यादा स्वेलिंग लगती थी हमेशा मुंह पे जी। वो स्वेलिंग भी कम हो गई है। नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, सब्सक्राइब करते हो, आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज हमारे साथ रेशमा जी मीटिंग में जुड़े हैं और रेशमा जी ने नवरात्रि के 9 डे ओनली रसाहार किया है, तो ये रसाहार का उनका जो अनुभव है वो हम सब आपको बताना चाहेंगे। रेशमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हो आप? जी मैं बढ़िया हूँ, आपकी कृपा से जी। नमस्ते झरना जी, और आपकी वजह से ही ये 9 दिन का फास्ट मेरा पूरा हो चुका है जी। सबसे पहले तो ये बताइए आप कहाँ पे रहते हो? जी मैं मुंबई के बाजू में डोंबिवली में रहती हूँ, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में, ओके। और आपकी उम्र कितनी है? 39। ओके। और इसके पहले जिंदगी में कभी आपने 9 डे का जूस फास्टिंग किया था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे पता ही नहीं था कि मैं मतलब इतना देर भूखी रह भी सकती हूँ जी। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था, लेकिन आपके वीडियो जब देखना स्टार्ट किया तभी मैंने सोचा एक बार करके देखती हूँ। इसको भूखा रहना नहीं कहते हैं, इसको उपवास करना कहते हैं जी, बिल्कुल। और हमने तो इतना सारा फ्रूट्स का इतना सारा जूस पिया है तो भूखा कैसे कहेंगे, हमने तो पेट भर के जूस पिया जी, है ना जी। पहले जो खाते थे उससे तो बहुत अच्छा खाना मिला, पहले तो है वो इंसान का बनाया हुआ खाते थे, अब तो है वो परमात्मा का बनाया हुआ खाना मिला है। वैसे तो हमारी माँ ही खाना बनाती है या हम खुद खाना बनाते हैं, लेकिन ये तो भगवान ने बना दिया हमारे लिए खाना। मेरा प्रेगनेंसी के बाद में वेट बढ़ गया था और मैं बहुत ट्राई किया कि मैं वेट कम करूं जी। उसके बाद में मैंने आपका वीडियोस देखा जी, तो वो डेली वीडियो आता था। हाँ जी। तो वो देखने के बाद में मुझे ऐसे लगा कि शायद एक बार कर लूँ, तो घर में ही मेरे और मेरे पापा ने उसको 1 महीने तक फॉलो करने का स्टार्ट किया, तो उसमें फर्क पड़ा, हमें काफी फर्क पड़ा। आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने जिंदगी में पहली बार 9 दिन का जूस फास्टिंग किया है। आप ही से इंस्पायर होके किया आपने, 15 अगस्त में किया जी, और देखने कुछ करने के लिए थोड़ा और एनकरेजमेंट भी मिलता है। और सच कहूँ तो ये फास्टिंग के बाद में मुझे थोड़ा ज्यादा फ्रेशनेस बढ़ गया है। पहले मुझे सुबह 8 बजे नाश्ता करने की आदत थी और वो नाश्ते के पहले मुझे थायराइड का एक पिल लेना पड़ता है, लेकिन ये 9 दिन में मैंने ना थायराइड का दवाई लिया ना डायबिटीज का दवाई लिया और इसके बावजूद भी मुझे कोई परेशानी जी, तो वो उतनी मेरे फेस पे स्वेलिंग रहती थी जी, वो स्वेलिंग भी मतलब स्वेलिंग मेरी कम हो चुकी। ओके। मुझे थायराइड का परेशानी है पिछले कुछ 4-5 साल से जी, और डिलीवरी के बाद में 1 साल के बाद मुझे अभी डायबिटीज जस्ट रिसेंटली डिटेक्ट हुआ जी, तो आई वाज वेरी वरीड कि मेरी बच्ची तो अभी 2.5 साल की है और मुझे अभी से इतनी तकलीफ हो रही है, और उसके बाद में हमें मुझे और मेरी बेटी को कोरोना हो गया था जी, तो उसके कोरोना के बाद में तो जैसे मतलब मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी, डेली जो काम है वो भी मुझसे हो नहीं पा रहे थे जी, जैसे कि खाना बनाना, फिर घर का साफ सफाई, झाड़ू कपड़ा, वो तो खत्म न होने वाला काम है, लेकिन वो पहले जिस स्पीड से होता था वो नहीं होता था। मतलब थोड़ा सा काम कर लिया, फिर आके थोड़ा लेट के थोड़ा आराम किया, फिर उठ के थोड़ा काम किया, और पूरा दिन इसी में गुजर जाता था। हाँ जी। तो मुझे अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता था और मैं कैसे रिकवर हूँ ये भी समझ में नहीं आता था जी। फिर गोली चालू कर दी, फिर डायबिटीज पीछे लग गया, तो जिस डॉक्टर के पास गई उन्होंने बोला कि कोरोना जिनको हुआ है उनमें से 80% लोगों को डायबिटीज हो जाता है बाद में जी, जी। तो ये सुन के बाद में जो मुझे तकलीफ होने लगी उससे फिर मैं एक शांति से बैठ के सोचा कि मुझे ये लाइफ टाइम साथ में लेके नहीं चलना है जी। और पहले भी मैंने वेट लॉस के लिए बहुत कुछ किया था, बहुत सारी रेसिपीज जैसे अपने इंटरनेट पे आती है, वैसे एक प्लान भी था जी। हम लोग नॉन वेजिटेरियन है तो उसमें एक डाइट प्लान का एक प्लान है जिसमें दिन के 6 अंडे खाने पड़ते जी।
वो और उससे इफेक्ट नहीं हुआ ऐसी बात नहीं, इफेक्ट हुआ। मेरा डेली 1 किलो वजन कम होता था, जी लेकिन वो मैं ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 1 हफ्ता कर पाई। उसके अच्छा बाद में मेरे शरीर ने मेरे को जवाब देना चालू कर दिया, जी मुझे हर जगह पे बॉइल्स आ गए, फिर जी मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ गया। जी तो मुझे ये नहीं चाहिए, अपना वेट कम करने के लिए मुझे अपना हेल्थ नहीं खोना था। हाँ जी तो इसलिए मैं बार बार ढूंढ रही थी कि मुझे नेट पे कहीं अच्छे से कोई गाइड करने वाला मिल जाए। तो भगवान की कृपा से आपका वीडियो पॉपअप हो गया और मैंने देखा, और फिर देखने के बाद मैंने 1, 2, 3, 4 मतलब देखती रहेगी। मैंने जी छुट्टी लिया हुआ था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई थी। फिर खाना बनाने के लिए मुझे बाई लगानी पड़ी घर पे, जी और घर वालों को पता है मतलब अपना टेस्ट एडजस्ट नहीं होता है, तो उनको किसी दूसरे के हाथ का खाना भी नहीं जमता है। तो जी हर जगह से मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गई थी। फिर मैंने और पापा ने ये करने के बाद में मुझे फर्क पड़ा और मुझे लगा कि नहीं, दिस इज नॉट ओनली वेट लॉस बट ये हेल्थ के साथ में आ रहा है। ये हाँ जी, प्रॉपर ही अपना सारा इससे रोग जो है वो निकल रहा है। आपने 9 दिन में कितना जूस पिया, कौन कौन सा जूस पिया, कितनी बार एनीमा किया, कितने घंटे फास्टिंग किया, वो पूरा पूरा शेड्यूल बताइए। जी पहले दिन तो मैंने शाम के 5 बजे तक फास्ट किया, जी और फिर बाद में मैंने 1 मग अपना कॉफी मग रहता है उतना कॉफी मग पाइनएप्पल का जूस पिया। फिर जी शाम को मुझे भूख लगी ही नहीं, तो लगी नहीं तो मैंने कुछ खाया पिया है नहीं। फिर पहले दिन बस उतना लिया। जी दूसरे दिन मुझे मॉर्निंग में बहुत ज्यादा भूख लगने जैसा फील हुआ, तो मैंने 12 बजे के आसपास मौसम्बी का जूस लिया, और फिर 2:30 बजे मैंने गन्ने का जूस लिया 1 ग्लास। जी गन्ने का जूस पीने के बाद में लिटरली ऐसा लगता था कि अभी फुल हो गया, अभी कुछ पीने की जरूरत नहीं। तो ये एक्सपीरियंस मेरे लिए काफी नया था कि हम लोग बस एक एक ग्लास पी रहे और इट इज लाइक कि नहीं हो गया, पेट भर गया। जी लेकिन तो हम हवा रहता है तो थोड़ा टेस्ट आता है, कुछ तला हुआ रहता है तो हम लोग खाती है, पेट भरा तो इंडिकेशन को नजरअंदाज कर देते हैं। जी तो तो डायबिटीज के पेशेंट को से गन्ने का जूस पी सकते हैं। हाँ, मैंने पिया और कुछ हुआ भी नहीं। तो पूरे वर्ल्ड में इतने सारे डॉक्टर बोलते हैं कि गन्ने का जूस मत पीना, मैंगो मत खाना, केला मत खाना। लेकिन डायबिटीज की वजह से मुझे मतलब पैर में काफी दर्द होना और बार बार यूरिन इन्फेक्शन होना, ये सब चीजें बहुत होती थी। जैसे ही मैंने और बॉइल्स आते हैं ना अपने, हीट बढ़ने के बाद पूरे बॉडी पे मुझे बॉइल्स आते थे। जी वैसे वो पता नहीं वो क्या था, लेकिन बॉइल जैसा था। अर्टिकेरिया जैसा हो जाता है, मतलब कि फुल्ले जैसा हो जाता है। हाँ, थोड़ा सा फूलता है और रेडनेस आती है, और उसमें हाँ बहुत ऐसा खुजली करू ऐसा लगता है। तो उसको और अर्टिकेरिया बोलते हैं। अच्छा, जी तो वो आना मुझे स्टार्ट हुआ था तो वो सारा चला गया था। जी लेकिन उसके बाद में मैं धीरे धीरे मतलब उसके बाद 1 हफ्ता मैं सात्विक मतलब कच्चा आहार पे रही। लेकिन जब ये नवरात्रि आई तो मैंने तय कर लिया था कि नहीं, ये 9 दिन मुझे करना ही था। फिर मेरा जी शेड्यूल ऐसे ही था, मुझे ऑफिस जाना पड़ता है 2.5 घंटा ट्रेवल करके। ओके तो वहां पे जाने के बाद में 1:30 बजे या 2:30 बजे मैं गन्ने का जूस पीती थी 1 ग्लास, कभी भूख ज्यादा लगता था तो 2 ग्लास। जी और फिर शाम को 7 बजे या 8 बजे घर पे आने के बाद में मैं नींबू नींबू पानी पीती थी। नींबू और उसमें सेंधा नमक डाल के, जी मुझे वैसे ही पसंद है, मुझे मीठा ज्यादा पसंद है नहीं। तो एक आध बार मैंने शायद उसमें 1 या 2 दिन शायद शहद डाला था, अदरवाइज मैं शहद नहीं डालती थी जी ऐसे ही। फिर मेरे शाम का खाना वही होता था, नींबू पानी, और वो पसंद भी आता था और उससे पेट भी भर जाता था। जी और बाकी दिन तो मेरा 2 बजे तक फास्ट रहता था, 12 बजे तक 2 बजे तक ऐसा नॉर्मली फास्ट रहता था मेरा। जी और मैंने इतना ज्यादा एकदम हार्ड एंड स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया। कभी भूख लगा मुझे 1 बजे भूख लगा, कभी कभी 10 बजे भी भूख लगता था कभी कभी। तो मैं उस वक्त मैं पानी पी लेती थी या फिर नींबू पानी। नींबू पानी तो मैं अपने साथ में नींबू कैरी करके ही जाती थी, जी कभी भूख लगा कुछ लगा नींबू पानी हो गया बस। जी और यही था, मैंने दूसरे दिन आलू बुखारा का जूस, तीसरे दिन मैंने नींबू मौसम्बी का जूस लिया, जी और दोपहर के टाइम में गन्ने का जूस।
और रात को नींबू पानी, बस इतना ही था, उसके अलावा कुछ नहीं खाया जी। तो पूरा पूरा 9 दिन यही शेड्यूल चालू रहा। ऑफिस के टाइम पे मुझे जल्दी रहती थी, इससे कभी कभी जूस बनाने का टाइम नहीं मिलता था जी। तो मेरा निर्जला हो जाता था, ये एक अच्छी चीज। अच्छा, लेकिन सैटरडे संडे जब भी घर पे थी तो मैंने प्रॉपरली जूस लेना जब भी स्टार्ट किया, तो फिर मुझे डिटॉक्सिफिकेशन होने लगा। वो कम से कम 20-25 बार तो मुझे डिसेंट्री जैसा हो गया जी। फिर ऑब्वियसली मैंने आपको फोन करके पूछा, तो हाँ आपने निर्जला करने को कहा। हाँ, और वो करने के बाद में मेरा डिसेंट्री और सरदर्द दोनों भी था वो बंद हो गया जी। ये तकलीफ मुझे कुछ तीसरे या चौथे दिन हुई थी। हाँ जी। और फिर निर्जला जब भी किया तो इमिजिएटली वो चला गया, फिर उसके बाद में कोई तकलीफ नहीं हुई जी। तो लंघनम परम औषधम, मतलब कि सबसे बड़ी में बड़ी दवा अगर कुछ हो तो मुंह में डालना बंद कर दीजिए, तो बॉडी अपने आप क्योर हो जाती है। लेकिन लोग समझते नहीं है, जब भी बीमार पड़ते हैं तो खिचड़ी खाते हैं, दूध पीते हैं, गोलियां खाते हैं और शरीर को और ज्यादा बीमार करते हैं। सिर्फ इतना ही करना है कि मुंह बंद कर देना है जी, बिल्कुल। लेकिन लोग इतनी छोटी बात जो है वो समझते नहीं है, और जो समझते हैं वो करते नहीं है, और जो करते हैं वो जीत जाते हैं। जैसे आप बहुत अच्छी तरह से आपने 9 दिन कर लिया। एनिबा में सुबह 3 बार करती थी जी। और रात को सोने से पहले 3 बार करती थी, तो दिन भर ऑफिस की वजह से नहीं कर पाती थी, तो दिन में 2 बार होता था, एक बार जाने के बाद 3 बार, कभी कभी 4-5 बार भी होता था जी। और फिर रात को सोने से पहले 3-4 बार जी। ऐसे तो, एनीमा से काफी फर्क पड़ता है। हाँ जी। कितनी गंदगी निकली, आपको क्या लगता है कि डायबिटीज उसमें निकल गया, थायराइड भी उसमें एनीमा से बाहर निकल गया? 9 दिन इतना कचरा बाहर निकाला है, उसके बावजूद भी मुझे लग रहा है कि अभी बहुत सारा अंदर है। हाँ जी। तो मुझे और करने की जरूरत है, मतलब अभी तक पूरा क्लियर नहीं हुआ है जी। तो इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा आगे करना पड़ेगा और मैं करूंगी जी। तो अभी और रसाहार ही करोगे या रॉ फूड पे करोगे? नहीं, अभी फिलहाल 2 दिन का, आज का दिन रॉ फूड खा रही हूँ और कल से मेरा रसाहार स्टार्ट है। ओके, तो फिर से कितने दिन रसाहार करने का तय किया है? मैंने सोचा है कम से कम 1 महीना तो कर लूँ। अच्छा, ये 10 दिन हो गया तो 1 महीना का करने का जी। तो माता जी से हम प्रार्थना करेंगे कि जैसे नवरात्रि में आपको साथ सहकार दिया, वैसे ही फिर से 1 महीने तक भगवान आपको साथ सहकार दे और आपकी विश और पूरी हो जाए, आप और भी ज्यादा हेल्दी हो जाए। वैसे आपको मेरा वजन भी कम हुआ है, मेरा 9 दिनों में 4-4.5 किलो वजन कम हुआ है और पेट भी मेरा 2 इंच अंदर गया है जी। और ये बहुत ज्यादा स्वेलिंग लगती थी हमेशा मुंह पे, वो स्वेलिंग भी कम हो गई है। और मुझे मतलब मेरे मम्मी पापा, उनको पता नहीं था मैं रसाहार कर रही हूँ करके जी। लेकिन उन्होंने 3-4 दिन के बाद में मुझे जब भी देखा तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, तेरे में थोड़ा फर्क लग रहा है और थोड़ा शाइनिंग जैसा आ रहा है, चमक लग रही है जी। तो मुझे भी अच्छा लगा जरा। बहुत अच्छी बात है। अभी भी आपका फेस जो है वो बहुत साइन कर रहा है, अभी 1 महीना और करोगी तो और ज्यादा साइन लगेगा। आपको और भी कुछ समस्या है तो भी आप हमारा संपर्क कर सकते हो, फोन से भी, व्हाट्सएप से भी हमारे साथ कनेक्टेड रहना। हम फ्री में बात करते हैं, निःशुल्क में सेवा करते हैं, तो जितने भी लोग हमारा जितना लाभ लेंगे उतना ज्यादा वो हेल्दी हो जाएंगे। हमारा तो मिशन है जन जन सेवा ही प्रभु सेवा, आप तो हमारे लिए प्रभु हो, तो जन सेवा ही प्रभु सेवा हो जाती है हमारी। इसके लिए हमें बहुत माला लगाने की या मंदिर में जाने की बहुत जरूरत नहीं पड़ती है, आप सभी के साथ सहकार से ही हम आगे बढ़ते रहते हैं। रेशमा जी, आपने बहुत अच्छा लगा, आपने अपना कीमती समय दिया। और वैसे मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि आप कोरोना के वक्त में भी ये सिस्टम को थोड़ा बहुत फॉलो करते थे, तो वैसे ये हमारी वीडियो को आप कितने टाइम से फॉलो करते हो और कब से ये सिस्टम से जुड़े हो? मैंने आपको वीडियो पहला वीडियो जब भी देखा तो वो शायद 8 महीने पहले था जी। लेकिन 3 से 4 महीने में सिर्फ वीडियो ही देख रही थी। ओके। किसी भी, मतलब मैंने इतने सारे डाइट किए और मतलब सिर्फ डाइट में इतना चेंज करने की वजह से इतना फर्क पड़ सकता है, ये मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, तो मैं सिर्फ वीडियो देख रही थी। लेकिन इतने सारे लोगों के एक्सपीरियंस जब भी देखा तो मुझे ऐसा लगा कि इतने सारे लोग
अगर फॉलो करके इतना रिजल्ट आ रहा है तो ये फेक नहीं हो सकता है, क्यों ना एक बार हम लोग खुद घर पे ट्राई करके देख ले। जी। तो इसके लिए मैंने पहले घर पे ही फॉलो किया, मतलब जितना आपका वीडियो था उसी गाइडलाइन को पकड़ के हमने स्टार्ट किया है, दूध भी सब बंद कर दिया। और तभी हम लोग फास्ट करते थे, 12 बजे तक फास्ट करते थे और फिर ग्रीन जूस लेते थे और ग्रीन जूस से फिर पेट भर जाता था। फिर शाम को हमें 4 बजे भूख लगती थी तो एक आध फ्रूट खा लेते थे और शाम को आपकी रेसिपीज देख के फ्लावर का राइस या ये बहुत सारी रेसिपीज जो आपकी काफी अच्छी है जी। वो हमने लेने को स्टार्ट किया जी। तो वैसे हमने वो 1 महीना किया तो हमें फर्क काफी पड़ गया। उस टाइम पे मेरा 6 किलो वजन कम हुआ था, लेकिन एनिमा का वो मुझे पता नहीं, वो थोड़ा अजीब लगता था कि एनिमा क्यों जरूरत है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता ये। लेकिन मेरे पापा ने एनिमा किया तो वही डाइट वो भी खा रहे थे और हम लोग एक ही घर में भी वही खा रही थी। मेरा 6 किलो वजन कम हुआ लेकिन उनका 10 किलो कम हुआ जी। उन्होंने सिर्फ एक ही चीज की, एनिमा। फिर बाद में मैंने अपने माइंड को बताया, पता नहीं मुझे वो पता नहीं, वो थोड़ा मेंटल ब्लॉक जैसा हो गया था एनिमा की बातें सुनने के बाद में। लेकिन जब भी मैंने एक्सेप्ट किया और इससे कुछ साइड इफेक्ट नहीं है, ये आपके जैसे आप इंटरव्यू लेते हैं सबके, उनसे जब भी सुना तभी मैंने सोचा कि नहीं हम लोग करके देखते। लेकिन करने के बाद में हल्कापन बहुत आता है बॉडी में, मैंने खुद फील किया जी। तो तब से मैंने एनिमा स्टार्ट किया। तो आपकी वीडियो से और भी लाखों लोग एनिमा करना चालू कर देंगे, ये बात का हमें बहुत अच्छा लगता है। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी यूट्यूब पे 1000 जैसी वीडियो है, उसमें से 50 वीडियो तो मैंने एक ही चीज पे फोकस किया है कि एनिमा करो जी। हाँ, इतना सारा फोकस मैं एक ही चीज पे करती हूँ कि एनिमा करो। अगर गंदगी पेट में होगी तो रोग आएंगे, अगर गंदगी निकल गई तो रोग चले जाएंगे। और गंदगी तो वैसे अपने आप निकलती नहीं है, जैसे घर में हर रोज झाड़ू पोछा करना ही पड़ता है, वैसे पेट के अंदर भी साफ सफाई करो, मुंह के अंदर रोज ब्रश करते हैं, कुल्ला करते हैं, तो वैसे ही ये आंत का कुल्ला है, आंत को साफ कर लो तो एक बिल्कुल बॉडी जो है वो लाइट हो जाती है, गंदगी जो है वो बाहर निकल जाती है, तो बहुत अच्छा फील होता है। तो आपका जो अनुभव है इससे हमें अच्छा लगेगा कि और भी जो बहुत सारी बहनें भाई डर रहे हैं उनको भी फायदा होगा। रेशमा जी, आपकी बच्ची 2.5 साल की है, उसकी नाम क्या है? ओवी। ओवी, ओवी नाम। तो हाँ, उसको एनिमा करवाया आपने? नहीं, उसको तो अभी एनिमा नहीं करवाया है, अभी घर में उतना ये नहीं है, बोल रहे छोटी बच्ची है जी। हम ये बोलते हैं कि एक दिन के बच्चे को भी एनिमा करवाओ, क्योंकि 9 महीने उसकी मम्मी ने खिचड़ी चावल खाया है, उसकी मम्मी ने दूध पिया है, प्रेगनेंसी में उसकी मम्मी ने रोटी पराठा खाया है, तो बच्चों को भी एनिमा करवा दो, तो हॉस्पिटल लेके कंसल्टिंग करने डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो बहुत अच्छी बात है कि अगर एक माँ जो है वो समझ जाएगी कि दूध की प्रोडक्ट एनिमल प्रोडक्ट का त्याग करना है और हमारा सही भोजन है ग्रीन जूस और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, रॉ फूड, तो कभी भी हमारे बच्चे, हमारी नई जनरेशन कभी भी बीमार नहीं पड़ेगी। और अगर ये सिस्टम में आने के बाद अगर कोई घर में बीमार पड़ गया तो उसके लिए भी चाबी है कि निर्जला कर लो। सर्दी हो गई, जुखाम हो गया, बलगम हो गया, वॉमिटिंग हो गई या दस्त हो गया, कुछ भी हो जाए तो डॉक्टर के पास नहीं जाना है, मुंह में खाना डालना बंद कर दो, पेट को लॉकडाउन कर दो, तो बॉडी अपने आप ठीक हो जाता है। तो हॉस्पिटल के पैसे बच जाएंगे, कंसल्टिंग के पैसे बच जाएंगे, मेडिकल स्टोर के पैसे बच जाएंगे, और जितने पैसे बचे दूध के पैसे बच जाएंगे, जितने पैसे बच गए उसमें से सारा फ्रूट ला देना है। जी बिल्कुल, ये एक्चुअली फ्रूट ही सस्ता पड़ता है और हेल्दी भी रहता है। अच्छा। खाने में अगर आप कुछ भी सब्जी भी बनाने जाओ तो सबसे पहले तो लगता है तेल, जो कि बॉडी को खराब कर देता है और महंगा भी आता है जी। तो इससे अच्छा है कि फ्रूट्स ही ले लो। और सबसे मेन चीज तो किसी भी गृहिणी के लिए है, वो उसका खाना बनाने का जो टाइम है वो बच जाता है। हाँ, कितनी मजा आ जाती है। हर तरीके से मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा जी। आपकी आप जो है वो टाइम स्पेंड कर सकते हो आपके बच्चों के साथ, नहीं तो क्या होता है कि हम किचन में खाना पकाते रहते हैं, बच्चे जो है वो रोते रहते हैं।
और खाने के बाद भी रोएंगे क्योंकि माँ ने पकाया ही ऐसा है कि रोना पड़ेगा। हाँ, परमात्मा ने जो भोजन दिया है वो अमृत भोजन दिया है, उसको हम गैस पे आग पे चढ़ा के मृत करके खिलाते हैं तो बच्चे भी रोएगी माँ भी रोएंगे और क्या। पहले मेरे घर में 1 लीटर दूध डेली आता था जी, और हम सब लोग दूध पीते थे पहले जी। मैंने तो अभी दूध छोड़ दिया है और चाय कॉफी में पीती नहीं हूँ जी, पहले से जी। बच्चे को भी अभी दूध का क्वांटिटी मैंने बहुत कम कर दिया है, अभी 2 दिन में 1/2 लीटर दूध आता है और वो भी सिर्फ उसके लिए आता है, लेकिन वो धीरे धीरे कम करके अभी बंद जी। लेकिन आप ऐसा करो कि उसको 1 लीटर दूध पिलाओ, अगर पिलाना है तो कोकोनट का मिल्क बनाओ, काजू का मिल्क बनाओ, मूंगफली का मिल्क बनाओ, बादाम का मिल्क बनाओ, हमारे पास चॉइस है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें डेयरी प्रोडक्ट पे ही जीना है, हम हमारे बच्चों को इतना सारा दूध पिला सकते हैं हेल्दी दूध बना के, जो उसको प्लांट बेस्ड मिल्क बोलते हैं। तो मैंने वीडियो बनाई है स्पेशली, कितने सारे ढेर सारे दूध बना के दिखाए हैं और सिर्फ 5 मिनट में। जी अभी तो फिलहाल मैं अल्टरनेट जो डे जो ले रही हूँ ना, तो अल्टरनेट डे में उसको नारियल के इसका दूध निकाल के देती हूँ। हाँ, और तो, दूसरे दिन ये वाला दूध, तो अभी धीरे धीरे क्वांटिटी कम करके वो बंद करना है और हाँ, उसको पसंद भी आता है वो वाला। हाँ, नारियल का दूध उसको बहुत पसंद है जी। तो फिर वो दूध आज से ही लाना बंद कर दो, माँ लाएगी तो बच्चा पिएगा ना, 2 दिन रोएगा और क्या, नहीं खाएगा नहीं सोएगा और क्या, इससे तो ज्यादा कुछ। घर छोड़ के तो कहीं और माँ के पास तो जाएगा नहीं, गाय के पास तो चला जाएगा नहीं, कि ये माँ दूध नहीं देती है गाय माता के पास चले जाए। तो हमारी जनरेशन को हमें बचाना है हॉस्पिटल से, तो आज से ही दूध बंद कर दो, चाहे कोकोनट का पिलाओ, बादाम का पिलाओ, मूंगफली का पिलाओ, तो हमारा जो बच्चा है वो हेल्दी रहेगा। नहीं तो पूरे दिन चिड़चिड़ापन करेगा, रोता रहेगा, सोएगा नहीं और आपको परेशान करके जान ले लेगा। जी जी जी। तो बच्चे अगर परेशान करते हैं तो उसका कारण एक ही है कि उसके पेट में मिल्क प्रोडक्ट पड़ी है। अभी यहाँ पे जो शिविर हुआ वहाँ हाँ, पे मैं मम्मी पापा को लेके गई थी, तो एक्चुअली मेरे पापा का स्पाइन का ऑपरेशन हुआ था, तो वो फिर से मतलब सक्सेसफुल नहीं हुआ तो फिर से ऑपरेशन हुआ, और उसके चलते में वो 1 साल तक बेड रिडन भी रहे थे। तो अभी जस्ट उन्होंने चलना ही चालू करा था, तो मुझे थोड़ा टेंशन था कि इतना नासिक मतलब ये डोंबिवली से लेके नासिक उनको ट्रैवलिंग हो भी पाएगा कि नहीं होएगा। फिर पापा को पूछा तो उन्होंने भी हाँ कर दिया, क्योंकि 1 महीने का हमने पहले घर पे ट्राई किया हुआ था, तो उन्होंने हामी भर दी, फिर मम्मी को आना पड़ा। अच्छा। फिर मतलब उसको हमने बताया नहीं था कि वहां पे आपको उपवास करना पड़ेगा या अच्छा, जो भी हमने बोला कि चलो हमने घूमने जाना है करके जी, और खाना बनाने की वहाँ पे नौबत है नहीं जी, तो वो भी खुश हो गई और वहाँ पे आ गए। उसको जाने के बाद पता चला कि अरे यहाँ पे तो खाना है ही नहीं। हाँ जी। लेकिन उसको फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन फॉलो करने के बाद में उसका वेट लॉस हुआ और पप्पा का भी चलने का जो स्टैमिना जो था वो काफी हद तक बढ़ गया जी। और उनको थोड़ा स्किन का भी थोड़ा एलर्जी जैसा होने लगा था, वो भी कम हुआ। अगर कोई इंसान शिविर में नहीं जा सकता तो शिविर एट योर होम मतलब घर पे कर लो। और दूसरी वीडियो है कि उभाड़, तो अगर किसी को ये सिस्टम से जुड़ने के बाद उभाड़ आता है, डिटॉक्सिफिकेशन सिम्टम्स दिखता है, तो उसको क्या करना चाहिए, तो उसकी भी मैंने दूसरी वीडियो तुरंत बना दी है कि अगर कोई इंसान घर पे बैठ के, क्योंकि कोई भी इंसान 50% ही शिविर में जा सकते हैं, 50% नहीं जा सकते हैं, वो शायद टाइम की वजह से, पैसे की वजह से, या दूर पड़ता है, या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो ये सिस्टम है कोई भी इंसान कहीं पे भी ये कर सकता है। तो आपने अपना कीमती समय दिया, आपने अपना अनुभव कहा, आपने नवरात्रि फास्टिंग किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको ढेर सारी, और थैंक यू आपने अपना अनुभव दिया। इसके लिए आपका अनुभव देख के लाखों लोगों को फायदा होगा, हमारी वीडियो देश विदेश में जा रही है और लाखों लोग हमारा वीडियो से फायदा ले रहे हैं। जो भी ट्रस्ट करते हैं हमारे सिस्टम पे, विश्वास से चलती है, विश्वास, धीरज और ईश्वर के ऊपर हमें श्रद्धा रखनी है। ये अगर 3 चीज हमारे पास होगी तो साक्षात जो है वो अपक्व भोजन से हमारा परिवार खुशहाल रहेगा।
तो और भी जो जो लोग हमारे वीडियो देखते हैं उनके लिए या नहीं देखते उनके लिए मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा एनडीएस हेल्थ सेंटर है, जहां पे आके आप निशुल्क में मिल सकते हो। यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके ऑर्डर भी दे सकते हो और यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट भी ले सकते हो। यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहां पे भी आप ऑर्डर कर सकते हो। वहां पे हमारे ढेर सारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, वो भी आप अपने पास मंगवा सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू, प्रणाम, आभार जी। रेशमा जी एक बात, हाँ, और आपका जो अवेयरनेस आप सब जगह पे फैला रहे हो, बहुत सारे मतलब शब्द में मैं आपको व्यक्त नहीं कर सकती। आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर, मतलब आशीर्वाद हमेशा है ही, और ये आशीर्वाद आप सब दुनिया को दे रहे हो। सब मुझे लगता है कि जितने भी सारे फॉलोअर्स है ये सच में एक बार करके देखें जी। तो आप भी हमारे साथ सेवा में जुड़ जाइए, हमारी वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाइए। आपके घर में जितने मोबाइल है, जितने मेंबर्स है, जितने लोग से आप कनेक्टेड हो, वो चाहे फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, ऑफिस वाले स्टाफ हो, या अड़ोस पड़ोस हो, चाहे आपके संपर्क में जो भी लोग आते हैं, उन सभी को हमारा नंबर दीजिए, हमारी वीडियो शेयर कीजिए, और आप भी सेवा में जुड़ जाइए। तो ईश्वर के आशीर्वाद, ईश्वर के ब्लेसिंग्स आपको भी ढेर सारे मिलेंगे। ओके जी, थैंक यू, प्रणाम, आभार, बाय बाय।